हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार आप सभी को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं किस तरह से आप सभी अपने कंप्यूटर में फोल्डर कैसे आप सभी बनाएंगे। क्योंकि मान लीजिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है ना, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर कोई भी नोट अगर तैयार करते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम लोग उसको सेव करेंगे और कहाँ पे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम सबों को जरूरत पड़ता है एक फोल्डर का। तो आज हम सभी सीखेंगे कैसे हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है ना, ये हमारा तो डेस्कटॉप है ना, आप अगर चाहेंगे तो डेस्कटॉप में भी आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सबों को बताऊंगा कैसे आप सभी अपने जो लोकल डिस्क सी हो या फिर तो डी हो, यानी कि ड्राइव में कैसे आप फोल्डर बनाएंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है ना, आपको भी अपने सिस्टम में दिस पीसी देखने के लिए मिल जाएगा या फिर तो कंप्यूटर देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये डबल क्लिक करना पड़ता है, बड़ा डेंजरस चीज है, एक बार में काम ही नहीं करता है। यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे हम लोग दिस पीसी में क्लिक किए तो देखिये यहाँ पे हमारे सामने लोकल डिस्क सी, फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू वॉल्यूम डी, उसके बाद न्यू वॉल्यूम ई, इस तरह से करके आपको दिया हुआ रहेगा। ये अलग अलग पार्ट ऑफ डिवाइस यहाँ पे किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आपको जहां पर भी बनाने की इच्छा करे, देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क सी लिखा हुआ है ना, लेकिन ज्यादातर कोशिश हम लोग करते हैं कि लोकल डिस्क सी में अपना फोल्डर नहीं बनाए। क्या कि यहाँ पे जब बनाइएगा ना, कभी अगर सिस्टम को फॉर्मेट करवाने का जरूरत पड़ेगा तो सारा का सारा आपका क्या होगा, उसमें से जब फॉर्मेट करिएगा तो जितना भी सेव किए हुए डाटा रहेगा सब आपका खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम जो डी लिखा हुआ है, यानी आपके जगह देखिएगा तो लोकल डिस्क डी दिखेगा या सी दिखेगा, आपको क्या करना है कि इसी में बनाना है। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं। और अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल आपके लिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो ए और बी नहीं दिख रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, ए और बी यानी लोकल डिस्क ए और बी जो होता है, जनरली क्या होता है वो कंप्यूटर के लिए, यानी जो पहले के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वगैरह थे वो सबके लिए रिजर्व रहता है। अब सबको मान लीजिए हम भी लोग खोजेंगे तो नहीं ना मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, जैसे लोकल डिस्क डी में चलेंगे नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए, इसको डबल क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। अब जैसे दो बार क्लिक करिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा ना। देखिये मेरा यहाँ पे पहले से बहुत सारा यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक रजिस्टर इस तरह का, एचएपआर एंड हेम डिटेल इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, नया फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर ऑप्शन का, क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे न्यू में जाइएगा तो यहाँ पे फोल्डर मिलेगा। किसी किसी केस में होता क्या है ना, यहीं पे ऊपर में ही क्या दिखता है, न्यू फोल्डर लिखा हुआ दिखता है। तो अगर वैसा अगर मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो आप क्या करिएगा, इसके अंदर आने के बाद राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ पे न्यू यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। न्यू में चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर, आप फोल्डर में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक फोल्डर बनाना है, जैसे आपको अपने नाम का बनाना है, जैसे हम क्या करते हैं खुद का, जैसे मान लीजिए हमारा जो चैनल है उसका नाम का बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं DEVENDRA देवेंद्र सर PC एजुकेशन इस तरह से। अब इसको हम लोग बाहर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे बाहर क्लिक किए ये हमारा एक फोल्डर बन के तैयार हो गया इस तरह से। देखिए आपको जैसे अगर बनाना अगर होगा, मान लीजिए अगर आपका नाम है मोहन, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना के रखिएगा। काहे कि देखिए जैसे पहले अपना नाम का फोल्डर बनाइए, उसके अंदर और भी आप फोल्डर बना सकते हैं जिसको सब फोल्डर बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे बाहर एक फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए राइट क्लिक, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे न्यू, वो तो नाम का बना दिए ना। अब जैसे यहाँ पे आपके अगर नाम का बनाना है तो यहाँ से फोल्डर, आपका नाम है जैसे मोहन, तो MOHN मोहन, इसको बाहर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका मोहन बन गया। अब इसके बाद जैसे लगता है कि नहीं, सॉन्ग मान लीजिए कुछ अगर गाना वगैरह आपका है, जैसे कोई दूसरे जगह में है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना लोकल डिस्क ई में मान लीजिए आपका बहुत सारा सॉन्ग वगैरह है, तो आपको उसको क्या करना है कि लोकल डिस्क डी में यहाँ पे ला करके क्या करना है, सॉन्ग को रखना है, वहां से कट करके पेस्ट करना है। तो आपको तो उसके लिए सॉन्ग के लिए तो यहाँ पे फोल्डर चाहिए होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा। और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे न्यू, और न्यू में आने के बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा फोल्डर, ऐसे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माय बेस्ट सॉन्ग इस तरह का, बेस्ट SONG बेस्ट सॉन्ग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे और इसमें डबल क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब क्या है कि ये फोल्डर अभी खाली है, इसी में हम लोग उधर से कॉपी करके लाके पेस्ट कर देंगे। तो आपका ये जो होगा क्या होगा, इस फोल्डर में सॉन्ग जो होंगे क्या होंगे, आके पेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हैं। और इसके बाद एक और इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए फोल्डर बनाने का शॉर्टकट क्या होता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एन,
क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एम। आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भविष्य में आपको बहुत ज्यादा काम देगा। कहे कि कंप्यूटर का मतलब ही होता है, जितना ज्यादा आप शॉर्टकट से जानिएगा उतना ही ज्यादा प्रोफेशनल आप हो पाइएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे जैसे मान लीजिए हमको वॉलपेपर के लिए बनाना है, किस तरह से वॉलपेपर पी ए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वॉल पी ए पी ए, इस तरह से वॉलपेपर, इसको बाहर क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका तो बताया फोल्डर बनाने के लिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आइए, उसके बाद क्या करना है, डबल क्लिक दिस पीसी में, और अगर मान लीजिएगा दिस पीसी का नहीं भी अगर मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, विंडोज प्लस ई, जिसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को लिखाया है पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, पीछे के वीडियो अगर कवर करिएगा तो सारा कुछ आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये इससे क्या होता है, विंडोज प्लस सी से ड्राइव ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लोकल डिस्क डी मिलेगा, क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा और इसी में क्या करना है, राइट क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर में जाके जिस तरह से मैंने फोल्डर क्रिएट किया आप भी यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, और नहीं तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया है, कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फोल्डर अगर कुछ अगर नहीं भी मिलेगा फोल्डर बनाने के लिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एन करके नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहां पे माई इंपोर्टेंट फोल्डर, या फिर इंपोर्टेंट माई इंपोर्टेंट नोट, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे इस फोल्डर में, और इसके अंदर जो लाके जो हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइल बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे है, देखिए माय बेस्ट सॉन्ग यहाँ पे चली, ठीक है, उसके बाद देखिए न्यू गोल्डन कार्ड 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइएगा, इसके अंदर देखिए एक और फोल्डर बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर, इसको भी याद रखिएगा, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर रहता है उसको सब फोल्डर बोला जाता है। जैसे न्यू गोल्डन कार्ड 2023, फिर से डबल क्लिक करिएगा, इसमें देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे देखिए गोल्डन कार्ड यहाँ पे मिलेगा, देखिए करीमन खातून, नजीमो निशा, इस तरह का देखिए बहुत सारे लोग का है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो फोल्डर के अंदर जो सेव रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए इसको डबल क्लिक करिएगा, और ये सब जो है सबको क्या बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, फोल्डर जो है आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अगले बेस्ट और अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सब चीज को रिविजन करने का, आप लोग भी इसको बनाइए और अपने कंप्यूटर में जरूर आप लोग नए नए फोल्डर क्रिएट करके देखिएगा, ताकि कभी भी कहीं भी अगर इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको अगर फोल्डर बनाने के लिए अगर बोला जाए तो आप आसानी से क्रिएट कर पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और लोगों को शेयर आप लोग जरूर करें। जय हिंद।